तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल मैंने बनाया था अपना इसका नाम है स्ट्रॉन्ग फॉल सागा, मैं इसका नाम ही भूल जाता हूँ। तो इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और मेरे को भी खेलने में काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इसका एक और गेम प्ले बनाना चाहिए। और ये प्लस ये गेम सर्वाइवल में तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, आप लोगों का नहीं पता, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी तभी आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। इसकी ग्राफिक्स तो बेटर हैं बाकी की गेम्स से, काफ़ी बेटर हैं, और शायद मेरी हंगरनेस बढ़ रही है इसलिए बता रहा है। हाँ तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले पॉज कर देता हूँ और वहाँ तक 10 लेवल पर पहुँच जाता हूँ ताकि आप लोगों को बोर ना हो, क्योंकि 10 लेवल पर हम अपना शेल्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में। तो दोस्तों मैं अभी 4 लेवल का हूँ और मैंने इसमें एक कैंप फायर बना ली और एक चेस्ट भी बना ली। चेस्ट के अंदर जैसे आप देख ही सकते हैं मेरे पास काफ़ी सामान है। पहले मैं इस सामान को कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है क्या है, लेकिन हाँ आई थिंक ये कुक हो सकता है सामान। तो मैं वापस इसमें आता हूँ, देखता हूँ। अच्छा अभी ये हो रहा है, इसको 2 मिनट्स लगेंगे यहाँ तक हम और रिपेयर करने का देख लेते हैं। ये है, हमको इसमें 4 कील्स और ये रिवेट्स पता नहीं क्या है, देख लेता हूँ मेरे पास पड़े हैं कि नहीं। ये रिवेट्स हैं, हाँ ये रिवेट्स हैं, इसको हम यहाँ रखेंगे। और कील्स भी है हमारे पास और वुड तो है ही, तो हम इसको इसी को करेंगे अपग्रेड। तो हमने, अच्छा आई थिंक हम, हमने कील्स और रिवेट्स, हाँ 2 रिवेट्स चाहिए। रिवेट्स यहाँ क्यों नहीं आ रहा? अरे उठने को ही नहीं दे जा रहा था। चलो क्यूट्स कॉम, अरे क्यूट्स कॉम्प्लीट हुआ, इससे क्या होगा? यू आर परमानेंट, यू आर फुल रिसेटेड। अच्छा इससे हम अपनी हेल्थ और हंगरनेस ये सब रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे को ये मिल चुकी है, इसको पैक कैसे करूँ? मैं ब्लू बेरी को वापस रख लेता हूँ और मेरे पास रॉ मीट है, इसको कैसे पकाऊँ? एम्पायर लेवल 3 लेवल 5, भाई रॉ मीट को शायद ऐसे ही खाना होगा। चलिए तो फिर मैं लेवल एक बार बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, और 10 लेवल करके फिर शेल्टर के लिए हम ध्यान देंगे। ओके दोस्तों, तो ये लोड हो रहा है, इसमें हम रन, इसमें हम पता नहीं क्या कर सकते। टाइम लिमिटेड इवेंट स्पेशल लोकेशन, हमको 22 सेकेंड लगेंगे। डिफ़िकल्टी बहुत कम है, लूट बहुत ज़्यादा है। एम्बुशेड कैरावैन, और फिर इसमें बहुत ज़्यादा और भी, स्टोन ब्रिज, पाइन ग्रोव और रगेड क्लाइव्स, पता नहीं क्या क्या नाम है। इन सब मिशंस पर भी हम जा सकते हैं, तो शायद इससे हमारा लेवल अप जल्दी होगा। ऑटो में तो चालू कर देता हूँ, देखता हूँ कितनी लूट मिलती है। गॉब्लिन, फिर हम ऑटो पर चलेंगे।
लगता है हमारी एक्स की हेल्थ बहुत कम है। पिक एक्स तो मैंने एक और एक्स्ट्रा रखी है, पता नहीं आयरन की कैसे मिली मेरे को, लेकिन मिल गई बस। इसकी हमारे पास क्या है, सील्स और देखा हम कितनी जल्दी लेवल 5 पर पहुंच गए। और फिर मुझे दो गॉब्लिन्स मिल गए, पता नहीं क्या चीज़ है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। इसके अंदर हमको कुछ पोशन टाइप चीज़ मिली है और ये पेल्ट पता नहीं क्या है और रोप, ये क्या है, मैजिक वेपन स्किल टॉम यूज़ करने का बता रहे हैं, हम तो यूज़ नहीं करेंगे। हम वापस से ये क्या ही है, हमको ये और मिल गया। 3 बजे लेकिन क्या कर सकते हैं। और यहाँ भी कुछ हमको मिला है, असली में लूट बहुत ज़्यादा है, काश कि मैं चेस्ट और वो सब लेके आ सकता। और ये है फ्लेक्स लाइंस, तो हम पत्थर का कुछ इतना नहीं कर सकते तो हम ये ले लेते हैं। और ये ग्रास भी हमारे पास बहुत होती है तो हम ये हटा के ये पॉपुलर प्रेशर पता नहीं क्या है वो ले लेते हैं। और मैं ब्लूबेरीज को यूज़ करके यहाँ रख दूँ मैंने, अच्छा ये अलग पास ये मिल गया। हम रॉ मीट को यूज़ कर लेंगे और ये स्टोन ब्लैक ये रख लेंगे। बहुत लूट है यहाँ, नो लिमिट लूट है। और फुल वाटर किन, अच्छा ये पानी पीने का, ये तो हमको रखना ही पड़ेगा, लेकिन हम हटाएं तो हटाएं क्या। मैं काम करता हूँ, ये असिस्टेंट हैमर पोशन पता नहीं कर्स क्राफ्टिंग ये यूज़ कर लेता हूँ। मैंने मैजिक वेपन रिपेयर किया था लेकिन मैं ये छुरा ले लूँगा। और मैं और क्या फेंक सकता हूँ, और ये शायद गोब्लिन का, ये भी बहुत आम चीज़ है, तो मैं हैमर रख लेता हूँ। यहाँ फ़ायदा ही नहीं जब तक हमारा बैग अपग्रेड ना हो। हमारा बैग अपग्रेड एक बार हो, सारे स्लॉट्स खुल जाएं तब मज़ा आए। अभी हमारे पास 10 स्लॉट्स और हैं, तो इसमें भी हमें एम्प्टी वाटर स्कैंस मिली हैं। और ये यूज्ड टू क्राफ्टिंग लूटेड एट लोकेशन रस्टेड आयरन, चलो ये सब नहीं रखते, मैं तो वापस चलता हूँ, क्या कर सकता हूँ अभी। अब मैं पूरी अपनी इन्वेंट्री को पूरा ज़ीरो करके आऊँगा। मेरा घर कहाँ है, ये है शायद, अच्छा ये तो कुछ और है, होम, हाँ ये रहा मेरा होम। गेम्स ऑफ अवी, अगर ये गेम्स ऑफ अवी में हूँ तो ये बाकी के जो लोग हैं वो भी असली लोग हैं क्या।
पता नहीं वो भी ऑनलाइन प्लेयर्स होंगे। डेवलपमेंट डिफेंस होम स्वीट होम डिफेंड योर होम प्रोटेक्ट द कॉर्नर वाइल्डनेस वॉल्स। पहले मैं सीधा अपने शेल्टर के पास चलता हूँ। ये रहा मेरा शेल्टर। कोई सामान नहीं ले जाऊंगा तो पिकैक्स और ये भी नहीं ले जाऊंगा। सब रख दूंगा अब तो। मैं अपनी बैग अपग्रेड खाली करना चाहता हूँ तो पॉकेट्स को लेदर पाउच स्टोर अप टू 5 आइटम। अच्छा तो लेवल 3 पर भी हम लेदर पाउच ही क्राफ्ट कर सकते हैं। और ये स्लाइंग अब वेपन, ये तो अच्छा वेपन है। और कैप फुटवेयर पता नहीं और क्या क्या है। मैं अपना बैग कहाँ से क्राफ्ट करूँ बड़ा वाला। लेदर ग्लव्स लेदर 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 ट्रेशर क्राफ्टेबल बेल्ट। चलो शायद ये रिपेयर हो जाएगा। हाँ क्या हो क्या रहा है यार, समझ में ही नहीं आता क्या कर रहा है। चलिए तो दोस्तों आज का गेम प्ले यही पूरा करते हैं। मैंने तो कहा था आपको शेल्टर सब कुछ दिखा दूंगा लेकिन मैं नहीं कर पाया। अगली वीडियो में मैं इसकी पूरी वीडियो देख लूँगा चीज़ें कहाँ से क्या करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी।